तो हमारे पास एक सेट आया था रेडमी 9 करके था दोस्तों। तो इसमें दोस्तों ये वाटर डैमेज के कारण इसमें फेक चार्जिंग का सॉल्यूशन दिखा रहा था दोस्तों। तो इसमें हमने इसका जो ये BQIC था दोस्तों, ये ध्यान से आपको दिखा दे रहा हूँ, इसको हमने दूसरे बोर्ड से भी निकाल के चेंज किया था। ये हमारे पास सेम बोर्ड था एक, तब भी दोस्तों हमारा ये जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व नहीं हुआ था दोस्तों। काफ़ी समय इसमें चेक करने के बाद दोस्तों हमने इसे यहाँ पे केवल क्या किया दोस्तों, यहाँ पे जीनो डाइबोर्ड जो होता है दोस्तों असेंबली वाला है, ये डाइबोर्ड हमने यहाँ पे एक जम्पर किया है दोस्तों, और इससे जो हमारा फेक चार्जिंग का दिक्कत था दोस्तों वो सॉल्व हो चुका है। तो चलिए दोस्तों हम इसको दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप हमने कैसे इसको किया था। तो जैसा कि फ्रेंड हमने यहाँ पे जब इसको कनेक्ट किया इससे पहले दोस्तों, इसका लाइन जो है हम डिस्कनेक्ट कर दे रहे हैं जहाँ पे हमने डायबोर्ड का जम्पर किया था। मीटर को दोस्तों हम DC20 पर रखेंगे। जब दोस्तों इसमें हमने चार्जर को लगाया और इसके बाद हमने जब यहाँ पे वोल्टेज को चेक किया तो देखिए दोस्तों हमारा जो यहाँ पे इसका चार्जिंग का पॉइंट बना हुआ इस पर हमारा 5 वोल्ट आ रहा है दोस्तों, लेकिन हमारा जो बैटरी कनेक्शन है दोस्तों इस पर देखिए हमारा वोल्टेज जो है दोस्तों फ्लेक्सेट कर रहा है, ध्यान से देखिए। तो इससे दोस्तों हमारा फेक चार्जिंग का दिक्कत आ रहा था। तो इससे पहले इसके पीछे हमने जो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप हमने चेक किया, यहाँ पे आपको हम दिखाएंगे जो हमारा चार्जिंग सेक्शन है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे जब चेक किया, यहाँ पे पहले ही किसी टेक्नीशियन ने पूरा छेड़ा हुआ है फ़ोन को, यहाँ पर 2-4 कंपोनेंट्स जो दोस्तों गायब हैं। तो चलिए देखते हैं इससे क्या होता है। अगर दोस्तों हमारा वहाँ से चार्जिंग का जो सप्लाई डायरेक्ट 5 वोल्ट आता है हमारा दोस्तों इस कैपेसिटर पे आता है, यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, थोड़ा जूम करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो है 5 वोल्ट आ रहा है, और दोस्तों उसके बाद हमारा ये जो IC लगा हुआ है इससे आउट होके दोस्तों हमारा इस कैपेसिटर पर दोस्तों आता है। तो देखिए इस कैपेसिटर पर भी हमारा 5 वोल्ट मिल रहा है। उसके बाद दोस्तों इस DC to DC IC जो हमारा ये लगा हुआ है इससे दोस्तों आउट होके इस पिन से दोस्तों ये फर्स्ट वाले पिन से निकल के यहाँ पे ये जो नोच बना हुआ है सीधा दोस्तों इसके कॉर्नर पे यहाँ पे एक नंबर पे आता है दोस्तों, 1 और 2 पे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारा इसका जो वोल्टेज है देखिए दोस्तों यहाँ पर मिल रहा है लेकिन फ्लेक्सेट कर रहा है दोस्तों। तो इससे क्या होता है 100% हम लोग को IC पे ही काम करना होता है। तो दोस्तों इसका हमने जो हमारे पास सेट में IC था दूसरा हमने लगा के चेंज किया तब भी वही चीज़ दिखा रहा है। तो हो सकता है दोस्तों ये भी IC गड़बड़ हो और एक्स्ट्रा हमारे पास है नहीं। तो दोस्तों हमने क्या किया इसको जब यहाँ से हमारा जो प्रॉब्लम था दोस्तों सॉल्व नहीं हुआ तो हमने इसमें दोस्तों जीनर डायबोर्ड का प्रयोग किया। और दोस्तों जीनर डायबोर्ड लगाते समय क्या होता है कुछ टेक्नीशियन भाई सोचते हैं अगर जीने डाइबोर्ड लगा दिया तो उसके बाद सेट हीट करता है। तो दोस्तों उसका भी कारण हम बताएंगे आगे, आप वीडियो पर बने रहिए। मान लीजिए दोस्तों यहाँ से हमारा यहाँ तक वोल्टेज अगर मिल रहा है तो इसके बाद यहाँ पर अगर आउटपुट पे नहीं मिल रहा है तो दोस्तों ये जो IC लगा हुआ है इसके ऊपर से एक बॉल छोड़ के जो सेकेंड वाले हैं तीनों बॉल को आपको जम्पर करना है दोस्तों। इससे हमारा यहाँ का लाइन जो है यहाँ से यहाँ तक का लाइन प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा। उसके बाद भी यहाँ से अगर इस पार आउटपुट नहीं दे रहा है इन कर रहा है दोस्तों और आउटपुट नहीं दिखा रहा है तो उसके बाद IC को चेंज करना है। मान लीजिए IC चेंज करने के बाद भी आपका प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता है तो दोस्तों आपको जीनर डायबोर्ड का प्रयोग करना है। जो दोस्तों आप चाहे यहाँ से यहाँ आप जीनर डायबोर्ड लगा सकते हैं या तो आप फिर क्योंकि दोस्तों यहाँ का जो स्टेप बाय स्टेप जो आया हुआ तो यहाँ से इसका जो चार्जिंग का इन होता है और आउट दोस्तों 5 वोल्ट होता है यहाँ इस TP पे आता है। तो दोस्तों
इसका तो ये लाइन हो गया। और जो दोस्तों ये बैटरी के कनेक्टर पे आता है, तो दोस्तों इसका ये पॉइंट जो है यहाँ पे इससे निकलता है दोस्तों, तो हमें यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं, हम यहाँ सामने भी लगा सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे ऑलरेडी जीनर डायबोर्ड को लगा लिया है, एक साइड इसका मैंने कनेक्शन कर दिया, एक साइड दोस्तों हटा दिया था आपको चेक कराने के लिए। तो देखिए दोस्तों अभी हम इसको जब चेक कर रहे हैं तो हमारा देखिए दोस्तों यहाँ पे वोल्टेज जो दोस्तों फ्लेक्सेट कर रहा है। और इससे पहले दोस्तों डीसी में भी हम दिखा दे रहे हैं, जैसे हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे दोस्तों आप देखिए ध्यान से, जैसे हमने यहाँ पे बैटरी को इसमें कनेक्ट किया तो देखिए दोस्तों वहाँ पे एम्पियर देखिए एम्पियर ले रहा है, लेकिन उसके बाद जीरो हो जा रहा है हर फेक चार्जिंग का। दोस्तों अगर हमारा चार्जिंग प्रॉपरली होता तो यहाँ पे 1.11 करके, या तो फिर उस यहाँ पे दोस्तों अगर हमारा चार्जिंग ओके कंडीशन में होता तो यहाँ पे एम्पियर गायब नहीं होता दोस्तों, कुछ ना कुछ यहाँ पे शो करता, चाहे 0.9 या 1.1 करके या 1.2 करके, जो भी यहाँ पे शो करता। क्योंकि यहाँ पे जो हमारा बैटरी को निकाल देंगे दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि हमारा बैटरी का जो वोल्टेज है वो यहाँ पे शो करेगा। तो फिर एक बार दोस्तों हम चेक करते हैं यहाँ पे मीटर को डीसी 20 पे रख के। तो देखिए दोस्तों हमारा वोल्टेज जो है यहाँ पे फ्लेक्सेट कर रहा है दोस्तों, एक बार फिर से हम चार्जिंग को निकाल के लगाएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसे हम फिर से लगाए, देखिए यहाँ पे वोल्टेज हमारा दोस्तों बैटरी को चार्ज करने के लिए मैक्सिमम कम से कम 4.1 ऐसा होना चाहिए, तो ये जो है उससे कम दिखा रहा है दोस्तों, आ रहा है जा रहा है। तो चलिए दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं, और दोस्तों एक बार हम इस जम्पर को लगा लेंगे वापस, उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे। एक बार मीटर को बीप कंटिन्यूटी पर रखकर चेक कर लेंगे कि हमारा जो लाइन है दोस्तों कनेक्ट हो गई है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का ये क्लियर हो गया है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये चेक कर लेंगे। और दोस्तों जो हमने बताया था डायबोर्ड लगाने के बाद कुछ शटों में जो हीटिंग का प्रॉब्लम होता है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए एक ब्लैक कलर का डायबोर्ड लगा रहता है, जैसे आपको डिस्कनेक्टेड वाले सेट में दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक लगा हुआ है ये डायबोर्ड, तो दोस्तों यहां से इसको रिमूव कर देंगे तो हमारा जो हीटिंग का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों एक बार बोर्ड को फिर से कनेक्ट करते हैं सेट में। देखिए दोस्तों जैसे हमने चार्जिंग यहां पे लगाया तो दोस्तों अभी हमारा एम्पियर जो दोस्तों हमने कहा था 1.1 या 0.9 करके हो जाएगा, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे भी 1.1 करके हमारा 1.4 करके शो कर रहा है दोस्तों। अभी देखिए दोस्तों कितना परसेंट है आप खुद ही देखिए, उसके बाद देखते हैं तो 4 मिनट में कितना बढ़ रहा है कुछ कि नहीं बढ़ रहा है।